इतना आंदोलनकारी है, झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं तो आप लड़ते ना गोमिया में भाई, जहाँ जोगेंद्र प्रसाद जी लड़ रहे हैं और लंबोदर मातो जी लड़ रहे हैं। अगर आपको दिखाना था मर्दांगी तो दोनों के बीच लगाते, दोनों विधवा महिला अवला है उनके बीच में आप दिखा रहे हैं। सुनने में तो हमको ये भी आया है कि आपका लड़का किसी के यहाँ कपड़ा खरीदने जाता है बोलता है उनका आदमी है, किसी के यहाँ केक खरीदने जाता है बोलता है उसका आदमी है। किसका किसका? बस और क्या, उन्हीं का समर्थक। अच्छा ऐसा है, ये भी सुनने में आया हमको। डुमरी का बेटा को जो मोतीलाल जी को अपमान किया है टुंडी के लोगों ने, निश्चित तौर पर टुंडी के जो उम्मीदवार यहाँ बोरो प्लेयर आया है 20 तारीख को वोट दे करके उसको जवाब देगा। अभी डुमरी में एक सभा हुआ है जहां पर जयराम महतो स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ के आपका नाम लेके कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है जयराम महतो जी को आप? हमको लगता है जो बातें कल हमको सुनने को मिली, उनकी बातों को सुनने के बाद हमको यह एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी ये बातें हैं, जो हमने बोले हैं वो सही है। वो जिस दशा से, मतलब जिस उद्देश्य से राजनीति में आए, पहले तो अपने आप को क्रांतिकारी बोलते हैं, अब आप ही बताइए कि क्रांतिकारी जितने भी रहे हैं, जो क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग होता है वो कभी चुनाव लड़े हैं क्या? अच्छा। आप तो एक तो आवेदन निकाले थे, संगठन का कार्य करने वाला को 10 पॉइंट, ठीक है, आंदोलन करने वाला को 10 पॉइंट, ठीक है, और तरह तरह का जो बीएड है या बीए है, बीए को 10 पॉइंट, अतिरिक्त पढ़ाई को 5 पॉइंट। हमको बताइए नहीं सब कितना पॉइंट हो गया। आप तो भैया कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिए हैं। कल का जो रोड शो था, पदयात्रा था, उसमें 30-40% 18 साल के नीचे के बच्चे थे, बच्चियाँ थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो बचे 60%, उसमें 30% तो मांडू, तो आपका गोमिया, तो आपका टुंडी, वे सब थे। वो बोल रहे थे कि अब जो है मौसी लोग का जो है समय आ गया आराम करने का, उन लोगों को कई बार मौका मिला, कई बार चुनाव लड़े, अब डुमरी का सेवा ना बेटा ही कर सकता है, तो डुमरी का सेवा बेटा करेगा और बेटे को डुमरी की जनता मौका देगी इस बार, इस पर क्या कहिएगा? देखिए शायद मैं, आप देखे ही होंगे भैया, जान रहे भी होंगे कि जब डुमरी में उपचुनाव था उनका ही वर्जन था, जयराम जी का, हाँ जयराम जी का ही वर्जन था कि दो माताएं चुनाव लड़ रही है, मैं इसलिए पार्टी से अपना उम्मीदवार वहाँ नहीं दे रहा, और दोनों आंदोलनकारी की धर्मपत्नी है। छठ को वो बाहरी बताते हैं, ठीक है, कहते हैं कि बाहरी त्यौहार है, बिल्कुल बाहरी त्यौहार बताते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से उनको पूछना चाहते हैं कि बताइए कहीं छठ घाट में वो दिखे क्या, आप लोग को दिखा क्या भैया? नहीं, छठ घाट में कहीं दिखा क्या किसी को, बताइए, सब जगह दिखते हैं, इफ्तार पार्टी में दिखते हैं, वो कहाँ का त्यौहार है? जनता जानना चाहती है। आज से 6 महीना पहले डुमरी की जनता ने 90,000 वोट दिया, क्या 9 लोगों का वो समस्याओं का हल किया क्या? मैं गरीब का बेटा हूँ, हम भी चुनाव, जब मेरी मिसेज जिला परिषद के चुनाव ली, सबको सहयोग करके बैनर पोस्टर लंद फंद करके चुनाव लड़ने जीते हैं, लेकिन आज मैं अस्थिर हूँ, सब जान रहा है, लेकिन हमें गरीबी की बात आई, मैं गरीबी की मजाक नहीं उड़ना चाहता, चूँकि मेरी माँ सब्जी बेच के हमको वही श्री चौक से पाली है, आज भी मैं वही हूँ साधारण, आज भी मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। और हम तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, उनका नाम जय राम है, बीच में वो श्री लगा दे और मंच में एक बार जय श्री राम बोल दे, मानेंगे भाई? जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है, बोल देंगे भाई, तो आपके सामने बोल, एक बार बोल के दिखावे मन से। बिहार के लोगों को बाहरी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी बता सकते हैं, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों को भी खतरा है, उसमें उनको बाहरी बताने का क्षमता है? बताइए, आप इतना झारखंड पूरा घूम रहे भैया, कहीं अगर बताइए, अगर बोलेंगे तो, आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी बसने वाला था, बस बहुत सारा जमीने लूटा गया था, क्या कभी एक शब्द बोलने आए? एक और बात वो बोले, घुटवाली जो मेरी मिसेज की जिला परिषद क्षेत्र पड़ती है, वहाँ लाइन काटा गया था, किसी व्यक्ति का नाम लिए हूँ, तो क्या जोड़वाने कौन गया भैया? जोड़वाने वहाँ हम ही गए हैं, ग्रामीण 3 दिन तक बिजली से बाधित रहा, कहाँ थे आप? 90,000 वोट दिया हुआ डुमरी के जनता ने लोकसभा में, 6 महीना पास हो गया, कभी जनता की सूद लेने आए क्या? आप तो भविष्य बनाने चले हैं लोगों का। अच्छा आप ही बताइए, मनोज भैया जी हैं, मनोज यादव जी, आपके ही चैनल में हम देखे थे, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े, आखिर उनका नामांकन जो रद्द हो जाता है, कहीं ना कहीं कैसे रद्द होता है, सोच उनके पीड़ा आप समझ सकते हैं। झारखंड में फर्स्ट फेज का मतदान पूरा हो चुका है, सेकेंड फेज का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है, और अभी हमारी मौजूदगी झारखंड के सबसे हॉट सीट डुमरी विधानसभा में है, और आपको बता दें कि यहां पर बातों से गोली बारूद छोड़ा जा रहा है, प्रत्याशियों के द्वारा दूसरे प्रत्याशियों पर जो है बातों से गोली बारूद बम बरसाया जा रहा है। आपको पता होगा कि डुमरी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक ओर जो है स्वर्गीय जगन्नाथ दा की पत्नी बेबी देवी जो है जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में है, दूसरी ओर जो है एनडीए के फोल्डर से आजसू को टिकट मिला और आजसू के टिकट पर जो है यशोदा देवी मैदान में है, तीसरी तरफ जो है जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मैदान में है। तो अभी हमारे साथ डुमरी से भाजपा के नेता, और अगर आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो संभवतः
डुमरी विधानसभा सीट पर भाजपा के ये उम्मीदवार होते। हमारे साथ सुरेंद्र साहू जी हैं, इनकी पत्नी जिला परिषद भी हैं, ये भी अभी चर्चे में आ गए हैं क्योंकि जयराम महतो को पता नहीं ये क्या कह रहे हैं कि जयराम महतो भरी सभा में इनका नाम लेके कह रहे हैं कि अगर विधायक बनना है तो विधायक बनिए, मेरी जो है शुभकामनाएं हैं, आप जो है मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो सुरेंद्र जी से जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा गोली बारूद बम क्यों बरसा रहे हैं जयराम महतो के ऊपर। दादा सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार, और आपके जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार, जय श्री राम। ये बताइए कि अभी डुमरी में एक सभा हुआ है जहां पर जयराम महतो स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ के आपका नाम लेके कुछ बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है जयराम महतो जी को आप? हमको लगता है जो बातें कल हमको सुनने को मिली, उनकी बातों को सुनने के बाद हमको यह एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी ये बातें हैं, जो हमने बोले हैं, वो सही है। वो जिस दशा से, मतलब जिस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, पहले तो अपने आप को क्रांतिकारी बोलते हैं, अब आप ही बताइए कि क्रांतिकारी जितने भी रहे हैं, जो क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग होता है, वो कभी चुनाव लड़े हैं क्या? क्रांतिकारी व्यक्ति सब चुनाव नहीं लड़ते हैं। मेरा कहना है कल जो वो बातें बोले हैं तो हमें लगता है कि जो अपनी भाषा या अन्य जो भी बातें उनका बीच फील्ड में जो आ रहा है सबों के बीच में, और जो हमारी बातें जो हम विरोध कर रहे हैं, विरोध क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, हमें लग रहा है जो वो देखे हैं या कहीं सुने हैं वह बता उस बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है जो उनको दुख लगा है, और स्वाभाविक बात है। आप बोल दिए हैं आपकी भरी सभा में जयराम महतो आपका नाम लेकर कह रहे हैं कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, जेएमएम भाजपा के पीछे पड़िए। अच्छा, जेएमएम और भाजपा के पीछे पड़ने की बात है, हम तो खुद भाजपा से हैं भाई जी। और रही बात उनकी बात है, तो मैं ना कोई वार्ड सदस्य हूँ, ना मुखिया हूँ, ना कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरह वो बोलते हैं तो पता नहीं हमसे क्यों बोखला उड़ो, उनको तो पढ़ना चाहिए जेएमएम के पीछे, जो जेएमएम के प्रत्याशी है उनके पीछे पढ़ना चाहिए, या उनके जो प्रतिद्वंदी है आजसू के नेत्री है उनके प्रति उनको बोलना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य है। रही बात, मैं तो आम कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैंने तो उनसे सिर्फ सोशल साइड में हमने यही कहा है कि आप छठ त्यौहार को बाहरी बताते हैं, जो हम लोग पावन, मतलब एक तरह से कहा जाए पवित्र त्यौहार है, छठ को वो बाहरी बताते हैं, ठीक है? कहते हैं कि बाहरी त्यौहार है, बिल्कुल बाहरी त्यौहार बताते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से उनको पूछना चाहते हैं कि बताइए कहीं छठ घाट में वो दिखे क्या, आप लोग को दिखा क्या भैया? नहीं, छठ घाट में कहीं दिखा क्या किसी को? नहीं, बताइए, सब जगह दिखते हैं, इफ्तार पार्टी में दिखते हैं, वो कहाँ का त्यौहार है? जनता जानना चाहती है, वो तो झारखंडी त्यौहार नहीं है। हम किसी का धर्म, किसी का आस्था का साथ हम ही नहीं करना चाहते, सभी के साथ मेरा संपत्ति है, अब मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे धर्म के प्रति कोई अपमान करेगा ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। और हम तो आपके माध्यम से ये भी करना चाहता हूँ, उनका नाम जय राम है, बीच में वो श्री लगा दे और मंच में एक बार जय श्री राम बोल दे, मानेंगे भाई? जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है, बोल देंगे वो। भाई तो आपके सामने बोल रहा है, एक बार बोल के दिखावे, मन से बोल के दिखावे, जयराम महतो जय श्री राम नहीं बोल सकते? बोल के दिखावे, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोलते रहे, बोल के दिखावे। आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं, कभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहरी बताया क्या? नहीं बता सकते हो। बिहार के लोगों को बाहरी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी बता सकते हैं, लेकिन जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों को भी खतरा है उसमें जी, उनको बाहरी बताने का क्षमता है? बताइए, आप इतना झारखंड पूरा घूम रहे भैया, कहीं अगर बताइए, अगर बोले होंगे तो एक भी अगर उनका इंटरव्यू दिखा दीजिए। आप जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बसने वाला था, बस बहुत सारा जमीनें लूटा गया था, क्या कभी एक शब्द बोलने आए? और अभी उन्होंने तो एक और शब्द बोला है, हम तो देखे उनके माध्यम से, वो तो ये भी बोल रहे थे कि माननीय सांसद पर टिप्पणी किए थे वो, प्रकाश चौधरी जी, हाँ माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर टिप्पणी किए थे कि बरियारपुरी अतकी कोई धावा टाण है, जहाँ से हमारे दोस्त है दीपक जी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर जला था, उनके बारे बोल दिया गया, उनके द्वारा बोला गया कि माननीय सांसद को बोला गया ट्रांसफार्मर जला है, तो बोले कि जिनको वोट दिए हैं उनको बोलिए, जबकि ऐसा शब्द माननीय सांसद आज तक नहीं बोल सकते, वो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते, उनके पास जो भी जाते हैं उनका सम्मान करते हैं और वो काम करते हैं, और उनको जब इतना डर था तो ट्रांसफार्मर लगवाना चाहिए था ना वहाँ, सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर भी लगवाने का काम हम और मेरा दोस्त दीपक जी किए हैं। एक तो और बात वो बोले, घुटबाली जो मेरी मिसेज की जिला परिषद क्षेत्र पड़ती है, वहाँ लाइन काटा गया था, किसी व्यक्ति का नाम लिए हूँ, तो क्या जोड़वाने कौन गया भैया? जोड़वाने वहाँ हम ही गए हैं, ग्रामीण तीन दिन तक बिजली से बाधित रहा, कहाँ थे आप? 90,000 वोट दिया हुआ डुमरी के जनता ने लोकसभा में, 6 महीना पास हो गया, कभी जनता की सूद लेने आए क्या? आप तो भविष्य बनाने चले हैं लोगों का। अरे जयराम जी तो कह रहे हैं कि हम
1932 आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे, पलायन रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, स्थानीय नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम तो खाटी झारखंडी है, और खतियान की बात करते हैं तो बताइए कौन खतियान से चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए कौन खतियान से चुनाव लड़ रहे हैं। और जितना भी प्रत्याशी उतारे हैं कहाँ के हैं, झरिया वाले भाई? हाँ, वो तो गोरखपुर के हैं। कहाँ है गिरिडीह वाले भाई, कहाँ के हैं बताइए उनसे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो तो बोले कि सुनने में आया है सुरेंद्र शिकायत कर, हमको भी सुनने में आया है, कितना में सीट बेचे हैं भैया बताइए ना। अच्छा। आप तो एक तो आवेदन निकाले थे, संगठन का कार्य करने वाला को 10 पॉइंट, ठीक है, आंदोलन करने वाला को 10 पॉइंट, ठीक है, और तरह तरह का जो बीएड है या बीए है, बीए को 10 पॉइंट, अतिरिक्त पढ़ाई को 5 पॉइंट, हमको बताइए ना ये सब कितना पॉइंट हो गया। आप तो भैया कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिए हैं। इस मुद्दे पर देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव भी कई बार बोले हैं इस पॉइंट को लेकर। अच्छा, आप ही बताइए, मनोज भैया जी हैं, मनोज यादव जी, आपके ही चैनल हम देखे थे, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े, आखिर उनका नामांकन जो रद्द हो जाता है कहीं ना कहीं कैसे रद्द होता है, सोच उनके पीड़ा आप समझ सकते हैं। आप रिजवान जी को देख लीजिए, और एक ठो गढ़वा के प्रत्याशी देख लीजिए। आप तो बोले थे, मनोज जी का ही बात हम सुने थे कि हम मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरेंगे और एडमिट कार्ड यहाँ का इंटर का आएगा। मोतीलाल जी का दुख दर्द सुनिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा। आप मोतीलाल जी को बताइए, हमारे डुमरी के जो बेटा हैं वो टुंडी से चुनाव उनको लड़ाया गया, वो भी फॉर्म भरे थे डुमरी से ही, उनको टुंडी से टिकट दिया गया, और टुंडी के लोग उनको भगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और डुमरी के लोग क्या उनको वोट दे के सम्मान करेंगे? कभी नहीं हो सकता है। डुमरी के जनता, डुमरी का बेटा को जो मोतीलाल जी को अपमान किया है टुंडी के लोगों ने, निश्चित तौर पर टुंडी के जो उम्मीदवार यहाँ बोरो प्लेयर आया है 20 तारीख को वोट दे करके उसको जवाब देगा। सुरेंद्र जी, युवाओं की टोली तो जयराम महतो के साथ है, सभा जो भी जयराम महतो सभा कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जो है लोग उनको सुनने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा, उनको वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, देखिए कल का जो कार्यक्रम था, हम कल का ही बात कर देते हैं, कल जो कार्यक्रम था, कल लगभग 3,500-4,000 का जो भी भीड़ था उसका, उसमें हमको पता चला, हम तो खुद कार्यक्रम में चल रहे हैं, उसमें 30% ऐसे बच्चे थे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब भाई बहन छोटे जो अंडर 18 है। हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम कहेंगे कि किसी भी सभा में, किसी के भी रैली में, चाहे किसी भी दल का हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को थोड़ा सा सभा से दूर रखें, बड़ी घटना घट सकती है, चूँकि भगदड़ की संभावना हो सकती है। कल का जो रोड शो था, पदयात्रा था, उसमें 30-40% 18 साल के नीचे के बच्चे थे, बच्चियाँ थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो बचे 60%, उसमें 30% तो मांडू, तो आपका गुमिया, तो आपका टुंडी, वे सब थे। अच्छा, एक सवाल है सुरेंद्र जी, कि एक जयराम महतो जी का एक हमने पॉइंट सुना था या किसी ने मुझे बताया था, वो बोल रहे थे कि अब जो है मौसी लोग का जो है समय आ गया आराम करने का, वो लोग को कई बार मौका मिला है, कई बार चुनाव लड़े, अब डुमरी का सेवा ना बेटा ही कर सकता है, तो डुमरी का सेवा बेटा करेगा और बेटे को डुमरी की जनता मौका देगी इस बार, इस पर क्या कहिएगा? देखिए शायद मैं, आप देखे ही होंगे भैया, जान रहे भी होंगे कि जब डुमरी में उपचुनाव था उनका ही वर्जन था, जयराम जी का, हाँ जयराम जी का ही वर्जन था कि दो माताएं चुनाव लड़ रही है, मैं इसलिए पार्टी से अपना उम्मीदवार वहाँ नहीं दे रहा, और दोनों आंदोलनकारी की धर्मपत्नी है, जो दोनों अब जैसे स्वर्गीय दामोदर महतो जी आंदोलनकारी थे, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी आंदोलनकारी थे, दो आंदोलनकारी की धर्मपत्नियाँ चुनाव लड़ रही है, इसलिए हम इस बार उम्मीदवार नहीं देंगे। अब क्या हो भैया, अब क्या आंदोलनकारी हट गया क्या उनके सबसे? आप इतना आंदोलनकारी है, झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं तो आप लड़ते ना गोमिया में भाई, जहाँ जोगेंद्र प्रसाद जी लड़ रहे हैं और लंबोदर महतो जी लड़ रहे हैं, अगर आपको दिखाना था मर्दांगी तो दोनों के बीच लगाते, दोनों विधवा महिला अवला है, उनके बीच में आप दिखा रहे हैं, आप टुंडी से क्यों भागे हैं, मथुरा महतो जी के डर से? आप एक सीट टुंडी से भी लड़ते ना, बेरमो से लड़ रहे हैं अनूप सिंह के, बेरमो से क्या, कितना दिन प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं भैया, बेरमो से तो कमलेश जी आपका देख रहे हैं पूरा उनका हिस्ट्री खोली दिए हैं, क्या है तो कमलेश जी हिस्ट्री खोल दिए आपका, कमलेश जी आ गए। देखिए हम अगर गलत हैं या हम सही हैं, अगर हम गलत हैं तो सभी लोग हमसे छोड़ देंगे, मतलब सभी लोग विरोध करेंगे, गलत हैं तब, और अगर हम सही हैं तो सभी लोग मेरा साथ रहे, ठीक है, एगो हट सकता है, दो को हट सकता है, सभी लोग नहीं हट सकता है। जो संगठन को तैयार किया, जो संगठन को लोग मिल करके सींचे, क्या उनके साथ है क्या रिजवान जी, क्या उनके साथ मनोज यादव जी, ऊपर ऊपर से ही समझिए आपका, और कमलेश जी भी छोड़ ही दिए, और कई लोग हैं, और कई लोग लाइन में लगे हैं जो उनको मतलब छोड़ रहे धीरे धीरे। जी को तो सब गद्दार बोल रहा है,
देखिए यह शब्द शायद मैं तो नहीं कहता हूँ, चूँकि मेरे चैनल में आप मेरे फेसबुक आईडी में देखिएगा कि उनके जितने समर्थक है ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं। चूँकि कल जयराम जी बोले हैं सभा में बाजार वासियों से, शायद उनको पता नहीं है कि श्री बाजार जहाँ वो सभा कर रहे थे वो मेरा गृह क्षेत्र है और वहाँ का हम दुलरुआ हैं और मेरे प्रति वो टिप्पा टिप्पणी किए हैं। तो जो एंटी कमंजेंसी उसका जो लोग सुन रहे हैं ना, आप तो सुन ही रहे हैं कि क्या होगा उनके आने से, आएगा तो नहीं लेकिन आने से क्या होगा। बाजार के लोगों को आप क्या समझाइएगा जी, बाजार के लोग खुद समझदार होते, वो तो तय कर लिया है कि हमें किनको हम अपना मत देना है। और आप भाई क्या, हम सुनने तो हमको ये भी आया है कि आपका लड़का किसी के यहाँ कपड़ा खरीदने जाता है बोलता है उनका आदमी है, किसी के यहाँ केक खरीदने जाता है बोलता है उसका आदमी है। किसका किसका? बस और क्या, उन्हीं का समर्थक। अच्छा ऐसा है, ये भी सुनने में आया हमको, जैसा वो बोले कि सुनने में आया सुरेंद्र जी विरोध कर रहे हैं, हमको सुनने में भी आया उनका आदमी कहीं कुछ खरीदने जाता है तो बोलता है उसका आदमी। अभी ये हाल तो आगे क्या होगा, तो ये रंगदारी मांगता है लोग, बस वही समझ लिए। खुद भी बोले कि चंदा दिया है यहाँ से, ये चंदा क्या है भैया, ये चंदा क्या है, अभी कुछ बने नहीं चंदा, बाद में क्या बोलिएगा, खुले मंच में वो चंदा का प्रयोग किए, शब्द किए का प्रयोग किए हैं। तो देखिए लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं। और वो लास्ट सवाल पूछेंगे तो कहते हैं कि गरीब का बेटा को लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, गरीब का बेटा अगर कोई विधायक बनना चाहता है सांसद बनना चाहता है तो उसको जो है अलग अलग तंत्रों से रोका जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पे अगर कोई गरीब का बेटा को कोई रोकने का प्रयास करता है तो मैं उसका विरोधी हूँ, लेकिन अब गरीब गरीब कह करके, चूँकि मैं भी गरीब का बेटा हूँ, हम भी चुनाव जब मेरी मिसेज जिला परिषद के चुनाव लड़ी सबको सहयोग करके बैनर पोस्टर लंद फंद करके चुनाव लड़ने जीते हैं, लेकिन आज मैं अस्थिर हूँ सब जान रहा है। लेकिन हमें गरीबी की बात आई, मैं गरीबी की मजाक नहीं उड़ना चाहता, क्योंकि मेरी माँ सब्जी बेच के हमको वही श्री चौक से पाली है, आज भी मैं वही हूँ साधारण, आज भी मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, हम वही हैं। लेकिन 6 महीना पहले आपके जितने समर्थक थे गांव गली घूम घूम करके कहीं चावल का व्यवस्था करते थे, कहीं आलू का व्यवस्था करते थे, कहीं और बहुत सारा चीज़ व्यवस्था करते थे, करते थे कि नहीं, 6 महीना में क्या हो गया भैया। आज बड़का बड़का फ्लेक्स सबसे ज़्यादा किसी को डुमरी विधानसभा में टंगा है, ज़बरदस्ती टांग दो, जहाँ कोई एको आदमी ने जंगल है वहाँ भी पेड़ में झंडा बांधल है, कहाँ से आ रहा है पैसा भैया, चंदा दे रहा है, कहाँ से आ रहा है चंदा दे रहे हैं, कौन चंदा, कौन फैक्ट्री से, कौन फैक्ट्री सारा चंदा, कितना चंदा मिल गया भैया, यही इस सीधा सीधे बोले, हमको भी तो सुनने में आया जो टिकट बेचे हैं। आप तो संगठन के लोगों के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ भैया, आप लोग समझिए, सोचिए, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े बातें कह करके आप लोग को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, फिर आने वाला समय में क्या होगा वो देखने की बात है। आज से 6 महीना पहले डुमरी की जनता ने 90,000 वोट दिया, क्या 9 लोगों का वो समस्याओं का हल किया क्या? जब डुमरी विधानसभा के जनता उनसे फ़ोन लगाने करके पूछने जाते हैं उनका फ़ोन नहीं लगता है, हम कैसा नेता को वोट देंगे, कैसा नेता को चुनेंगे? नेता विधानसभा मतलब लोकल चुनाव एक तरह से होता है, आपको जब ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी फ़ोन करेंगे लग ही नहीं रहा है, बात ही नहीं हो पाएगा, कहीं थाना का जरूरत पड़ गया तो वो तो कहते सुनते हैं कि जयराम महतो जी का खाली नाम ले लीजिए थाना में सब कुछ काम हो जाएगा। तो भैया चुनाव का है लड़ रहे हैं, आपका नाम से ही काम हो जाएगा सब। तो फ़ोन वाली समस्या पर मनोज यादव भी बोलते हैं कि फ़ोन नहीं लगता है, बात नहीं हो पाती है। भैया हम मान के चलिए हम नेता हैं, उस क्षेत्र के हैं, हमको लोग नेता मानता है, उस गांव का घर का बेटा है, उस समाज वहां का बेटा है, हमसे अगर किसी को रात को उम्मीद, नेता से उम्मीद रहता ही है, कोई किसी का घर नहीं चला देता है, बस कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं और कुछ हो गया, भैया ये वाला ऐसा सा बात हो गया, तो किन से पूछेगा, किन के पास जाएगा? आप अभी कहाँ चल रहे हैं तो बाद में क्या कीजिएगा भैया। तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता सब कुछ जान रही है और वो लोग सूझबूझ रख करके ही वोट करेंगे। एक शब्द और हम कहेंगे जो उनका बात था, उन्होंने कहा कि आप वो सिर्फ मेरा विरोध करते हैं, आपको हम फिर से उनसे पूछना चाहते हैं कि आप मेरा टारगेट क्यों कर रहे हैं, हम क्या हैं भैया, हम तो प्रत्याशी नहीं हैं, छत पर खड़ा होकर स्कॉर्पियो पर बोल रहे हैं आप, हम तो प्रत्याशी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मेरी बात में पूरी सच्चाई है जिससे वो बौखला गए हैं, जिससे वो बौखला गए हैं। अब रही बात विरोध करने की भैया, तो हम 2 महिलाओं के बीच क्या विरोध करेंगे, हम भाजपा में हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सोशल साइट मेरा खोल लीजिए, देखिए देख लीजिए एकदम सोशल साइट, हम हेमंत सोरेन जी का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हम 2 विधवा महिलाएं माताओं का क्या विरोध करेंगे, हम दोनों
का सम्मान करते हैं और जिस दल में हैं, एनडीए गठबंधन में हम, और एनडीए गठबंधन का जो मूल मंत्र हमको दिया गया है बाबूलाल जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा, सुदेश जी के द्वारा, उस पर हम चल रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है डुमरी विधानसभा से भाजपा नेता सुरेंद्र साहू जी बातचीत कर रहे थे। तो जैसा कि आपको पता है कि डुमरी सीट पर जो है किस प्रकार का माहौल हो गया है, गर्म माहौल है, पूरी तरीके से जो है एकदम वाद विवाद शुरू हो चुका है, नेताओं के द्वारा जो है गोलियां छोड़ी जा रही है, तोपे दागी जा रही है, मतलब बातों से, रियल में नहीं, गलत मत समझ लीजिएगा। बाकी आप अगर डुमरी विधानसभा से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं। बाकी 20 नवंबर को दूसरे फेज में डुमरी विधानसभा के साथ साथ 37 और सीटों पर मतदान होने वाला है। 23 नवंबर को समूचे झारखंड में रिजल्ट आएगा। जोहार, जय हिंद।